यूजीसी नेट एग्जाम को पास करने के लिए अपने स्कोर बढ़ाने के लिए हमने पिछले वीडियो में बात की थी होलिस्टिक अप्रोच की, एक फॉर्मूले की बात की थी, उन दोनों को मिला के ये वीडियो अगले बन रहे हैं। और तीन फेजेस हैं, बिफोर टेस्ट प्रेपरेशन आपने क्या करनी है, इसकी सीरीज डिफरेंट होगी, अटेम्प्टेशन ड्यूरिंग टेस्ट क्या करना है इसकी सीरीज, और आफ्टर टेस्ट क्या करना है इसकी सीरीज डिफरेंट होगी। तो ये जो ड्यूरिंग टेस्ट वाली है उसको पांच फेजेस में मैंने डिवाइड किया है, उसकी ये फर्स्ट इंडिविजुअल एमसीक्यू से कैसे डील करना है आपने, उसकी पांच छह सात वीडियोस हो सकती हैं जो कि साइकोलॉजिकल रूल्स एंड स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करेगी, ये होगी इस ये वाली प्रेजेंट वाली वीडियो। तो इस वीडियो को ये ध्यान रखना है कि ये ड्यूरिंग टेस्ट की है, आपका टेस्ट शुरू लगभग होने से थोड़ा सा पहले और लास्ट तक हमने क्या क्या करना है, और पर्टिकुलरली एमसीक्यू क्वेश्चन को इजी कैसे बनाना है या उसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट रूल है रीड और अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली प्रायर और बिफोर टेस्ट। आप कह रहे होगे को ये आप ड्यूरिंग टेस्ट की बात कर रहे हो तो ये प्रायर क्यों है, क्योंकि इसके इफेक्ट इमीडिएट आपके फर्स्ट स्टेप पर पड़ेंगे। दूसरा, इंस्ट्रक्शन आप जब एडमिट कार्ड आ जाता है तब भी रीड करते हो, दूसरी इंस्ट्रक्शन वो होती है कि अपने पेपर जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो तो कई कैंडिडेट आप में से ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ये टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये वीडियो को देखना कि जो वहां कैसा माहौल होता है, क्या क्या ऑपरेट करना है, मार्क करना है, कंप्यूटर पर आगे जाना है पीछे जाना है, वहां का माहौल है उसको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले आप एक तो एडमिट कार्ड जो पिछला मेरे पास है एक कैंडिडेट का, उसको डिस्प्ले करके ये बताऊंगा कि आपने इंस्ट्रक्शन कौन सी जनरली होती है। लेकिन ये याद रहे कि मैं जो इंस्ट्रक्शन जो ये रीड करने जा रहा हूं ये 90% हो सकती है या 100% भी हो सकती है। आपने एडमिट कार्ड को आपने जरूर रीड करना है, समझना है साथ में, लेकिन ये समझ के आप 90% पक्का समझ लोगे। एडमिट कार्ड पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, शिफ्ट कौन सी है, सेकेंड है आपने रीड करना है, टाइमिंग कौन सी है रीड करना है, क्योंकि जितने ही आपको क्या आपके फ्यूचर में अभी होने वाला है उसका इफेक्ट आपके ब्रेन पर, एंजाइटी पर, फियर पर, मोटिवेशन पर, एडजस्टमेंट पर पड़ता है, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो आपके 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे, उनको टाइम मिलेगा, अगर डिस्टर्ब हो गए तो वो डाउन हो जाएंगे। इसकी मेन इंस्ट्रक्शन जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ये, ओके कैंडिडेट फर्स्ट, ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट लगी है मुझे कि आपको एक दिन पहले आपके एग्जामिनेशन सेंटर जाके देखना चाहिए ताकि आपको उस दिन अगले दिन जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप काइंडली टाइम पर पहुंच जाओ। ये इंस्ट्रक्शन देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे रही है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, कौन कौन से आपके चाहिए, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करना है, ये जो स्लिप पूरी दिखाई है हमने ये देख लीजिए, ये स्लिप है ये पूरी डाउनलोड करनी है, कलर हो गई थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ये डाउनलोड करके आपने थोड़ा बड़ा कर ले, हाँ बड़ा करके A4 साइज का प्रिंट आपने ले लिया, और एक पासपोर्ट साइज की फोटो लेके यहाँ पर चिपका लेनी है, इस पर वो आपकी अटेंडेंस शीट जो आपने पहले से पेस्ट की है वही फोटो होनी चाहिए, ठीक। सेकेंड आपकी एक ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए, उसमें से आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, उस दिन आपके साथ एग्जामिनेशन के साथ ये होना चाहिए, इसमें से एक ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ई आधार कार्ड और राशन कार्ड हो सकता है, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो अथॉरिटी से इशू उस दिन उनके साथ होना चाहिए। नेक्स्ट नोट एक लिखा है, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन विदाउट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो ये चीजें आपको पहले से तैयार रखनी है, ये नेचुरली 100% आपके एग्जाम में भी होगी। नेक्स्ट है जी, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू, क्या क्या नहीं आप ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन, अदर मटेरियल लिस्टेड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, कोई भी आप सामान ऐसा नहीं लेके जा सकते,
इवन पेन के लिए भी आपने अपने आई कार्ड से देखनी है कि पेन ले जाना अलाउड है या नहीं, वाटर बॉटल ले जानी अलाउड है कि नहीं, क्योंकि कोरोना के पीरियड में इंस्ट्रक्शन और अब के पीरियड में इंस्ट्रक्शन में चेंज हो सकता है। जनरली पेन भी अलाउड नहीं होता, वो पेन देते हैं वाटर, थोड़ा सा वाटर आप जो ट्रांसपेरेंट हो वो अलाउ हो जाता है। तो इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफिशियल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत अंडरलाइन क्यों कर रहा हूं इसको मैं, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा लगेज ले जाते हो जो वहां पर आपका कोई ध्यान नहीं रखा, आप ध्यान नहीं रखेगा तो आपके बिलोंगिंग्स की आपकी माइंड में वो स्ट्रेस रहेगी, तो आपके माइंड में तो आपका सामान चल रहा है, मेरा फोन कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, तो आप एमसीक्यू बेचारा क्या करेगा। तो दैट इज वाई ये प्रायर जरूरी है, और स्टूडेंट्स करते हैं गलतियां। मैं इंटरव्यू जो ली है वो भी आपको दिखाता हूँ, जो उन्होंने रिफ्लेक्शन या अपनी दिए सुजेशन दिए हैं उससे आप लर्न कर सकते हो। तो अथॉरिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पेन पेंसिल एंड ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम एंड रोल नंबर एट द टॉप ऑफ द शीट। आपको एक पेपर जिस पर आप रफ वर्क कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हो, उस पर आपने अपना जो है रोल नंबर और नाम लिखना है। एंड मस्ट रिटर्न आगे जो इंटरव्यू इसी कैंडिडेट ने इंटरव्यू दी है, उन्होंने बताया है कि मैं लिखती रही कि मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ये कंसेप्ट ऐसे आते ऐसे थे, कुछ अपना लिखती रही कि स्लिप बाहर मैं ले जाऊंगी, लेकिन नहीं, वो उसे पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि स्लिप वो वापस ले सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि स्लिप उन्होंने पेन भी सब कुछ जो देना है वो वापस भी ले लेना है, इन्विजिलेटर वापस ले लेगा बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड टेक द सीट इमीडिएटली आफ्टर ओपन द एग्जामिनेशन हॉल, दे कैन लॉग इन एंड रीड। आपका काम शुरू हो गया, यहाँ टेंशन शुरू होगी। जिनका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम होगा उनकी टेंशन ज्यादा होगी, जिनका एक्सपीरियंस सेकेंड थर्ड का है उनकी टेंशन कम होगी। तो जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए ये वीडियो ज्यादा जरूरी है। लॉग इन एंड रीड इंस्ट्रक्शन, अब आपने रीडिंग कर दी है शुरू, वो भी आपको दिखाता हूं इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम कि आपने पेपर देना कैसे है उसके बारे में, आपका ड्यूरिंग टेस्ट शुरू हो गया ये आप पहले पढ़ रहे हो। कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू परमिट द लीव एग्जामिनेशन रूम और हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जाम। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट शुड हैंड ओवर द एडमिट कार्ड, भी आप उनको दे दोगे, रफ शीट भी वापस कर दोगे, पेपर और पेंसिल भी वापस कर दोगे। कैंडिडेट मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल इन अटेंडेंस शीट, ये देखिए याद रखना है, 3 से 5 मिनट कई बार अटेंडेंस शीट को फिल करते हुए लग जाते हैं, ये बात की टेंशन नहीं लेनी है आपने, हर हालत में नहीं लेनी, ये टेंशन लोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, ये सब इसलिए बता रहा हूं। इन एलिजिबल हैंडराइटिंग, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द एप्रोप्रिएट प्लेस। अब वो फोटोग्राफ आपको साथ में एक लेके जानी है, ये क्लियर हो गया। तो वहां अटेंडेंस शीट पर पेस्ट करनी है, आपने सिग्नेचर करने हैं, और जो भी अटेंडेंस पर और कार्रवाई होगी वो करनी है, इसके लिए आपको 2-3 मिनट मिनिमम लग जाते हैं। दे शुड इंश्योर दैट देयर लेफ्ट हैंड थंब, अच्छा इंप्रेशन देना होगा, इज क्लियर एंड नॉट स्मग्ड। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मींस, ये पता है आपको, कुछ आप स्लिप वगैरह कुछ ऐसा नहीं लेके जा सकते। इसके अलावा कैंडिडेट एडवाइज टू चेक अपडेट, ओके। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एग्जामिनेशन सेट रिपोर्टिंग टाइम मेंशन अबव, हाँ ये जरूरी है भाई। तो आपको फिर जो टाइम दिया गया है आपके एडमिट कार्ड पर होगा, वो यहाँ नहीं मैं बताऊंगा, वो उस पर आप रिपोर्ट कर दीजिए। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम, प्लीज। ये सारी बातें क्या है, आपकी टेंशन को कम करने के लिए है, ठीक। अब इसका आपने करना क्या है, इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आपने यहां ऐसे बताता हूं, अच्छा देखिए, इन इंस्ट्रक्शन को रीड करके आपने एक तो समझ लेना है, समझ के विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज क्या है कि आप जो एग्जामिनेशन सेंटर का सीन, आगे जाके दिखाता हूं, कि इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आंखें बंद करके 2-5 मिनट ये सोचना है कि मैं एग्जामिनेशन सेंटर में कैसे पहुंच गया हूं, वहां जाके मैंने
जो मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती है, जब प्रॉब्लम अगर आएगी तो मैंने डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि उसका सोल्यूशन है, सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन साथ साथ में है। अच्छा, अटेंडेंस शीट आएगी तो मेरा टाइम लगेगा, मैं डिस्टर्ब नहीं होना, मैं पहले ही तैयार हूं कि हाँ जी मेरे 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट उसमें लग सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर ली है, वो फोटो लगवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, जो जो इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ी है वो जाके मन में सोच लीजिए, कम से कम आपके 2 या 3 मिनट बच जाएंगे, आपकी टेंशन जो है कम हो जाएगी। अगर न्यू सिचुएशन आती है, आपने पहले से सजेशन दे रखे अपने माइंड को कि मैंने डिस्टर्ब नहीं होना, तो वो चीज आपकी माइंड आपका वहां पर हेल्प करेगा। ठीक, तो विजुअलाइजेशन रिगार्डिंग दैट फ्यूचर इवेंट इज एसेंशियल। सेकंड इज कि आप एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर विजिट जरूर कर लीजिए, उससे आपको तसल्ली हो जाएगी और विजुअलाइजेशन भी कंक्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। ये जो बाकी ये सेम ही है, आपको इवन वॉच भी नहीं लेके जानी होती, लेटर की इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी होती है, ये मेन मेन जो आपको बता रहा हूँ। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये जो इंस्ट्रक्शन है आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। बेशक सारी इंस्ट्रक्शन आप रिकॉर्ड कर लें ऑडियो में, जहां कहीं लिख ले, जहां इस वीडियो को दोबारा देख के, तो जो मैंने इंटरव्यू लिया है उसके बेस पर ये कह रहा हूं कि उन्होंने रिफ्लेक्शन दी है कि आपके क्या एक्सपीरियंस लिए, ये एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। फर्स्ट है यू कैन शिफ्ट फ्रॉम, अच्छा आप हिंदी से इंग्लिश पर, इंग्लिश से हिंदी पर जा सकते हो, इसको इसको माइंड में रखना। अगर आपकी हिंदी आप इंग्लिश में जाना चाहते हो तो हार्ड कॉपी में तो चले जाते थे, ओआरएमआर शीट जब उस पर मार्क करते थे तो क्वेश्चन पेपर से शिफ्ट जल्दी कर जाते थे, यहाँ भी चल सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे 3 सेकंड लगते थे, इंजन का इंटरव्यू लिया, वो कहते मेरे वहां से मेरा इंग्लिश था, मैं हिंदी में कोई क्वेश्चन देखना चाहती थी तो वहां मुझे टाइम लगता था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, नया था एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाई वो 3 सेकंड जब लगते थे तो मैं डिस्टर्ब होती थी। तो आपने नहीं होना, आप इनके रिफ्लेक्शन से आप भी सीख सकते हो। रीड द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग, अच्छा पेन की वो हो चुकी है, अच्छा बॉटल वगैरह ले सकते हैं, ये आपने पढ़ लेनी है, एक रफ पेपर मिलेगा, हो गया है, नो वॉच हैवी हो चुका है, टेंशन और वरी अबाउट योर वॉच। हाँ, ये कहते कि मैं मेरी वॉच ले गई थी और मेरा कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल था तो मेरा माइंड उसी में फंसा रहा कि यार वो सेफ होगा, सेफ होगा। इंस्ट्रक्शन भी है कि आपके मटीरियल की कोई जिम्मेदारी है नहीं है, और ये सच में आपका मटेरियल मोबाइल ही पड़ा है तो आपका ध्यान उधर लग गया, तो जो आपने 2.5 घंटे में वो एमसीक्यू करने थे वो डिस्टर्ब हो गए ना। दैट इज व्हाई इस वीडियो का नाम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल वे से आपको एक्सप्लेन करना रखा है। आप यहां से पहले सेटिस्फाई और शांत फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड होंगे तभी आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, उनका सजेशन है ये 3 पॉइंट निकले, ये फर्स्ट और इस ये वाला सिक्स्थ वाला सेवन्थ वाला, कि स्मॉल एंड इन एक्सपेंसिव बैग, मैंने एक उन्होंने सजेशन दिया है कि छोटा सा बैग लेके जाएं, अगर वो गुम भी हो जाए ये मान के चले तो मुझे टेंशन ना हो, इतना कम सामान लेके अपने साथ जाए। ये 3 बातें इनके रिफ्लेक्शन से हमने सीखी है। ओके, फर्स्ट टाइम कैंडिडेट बिकम नर्वस व्हेन यू ऑब्जर्व योरसेल्फ इन लार्ज हॉल, ये कहते हैं कि जब मैं देखा कि मैंने उस हॉल में गई तो इतने सारे कंप्यूटर थे, मैं अकेली वहां बैठी हुई हूँ, नहीं सारे बैठे हुए हैं, तो मैं मतलब मेरा दोस्त कहीं साथ में नहीं है, मैं अकेली हूँ, वहां जब जाओगे तब भी हम अकेले ही होंगे, तो तब हमें एंग्जाइटी या डर लग शुरू होता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथी कोई नहीं है, मैं पूछ नहीं सकता। तो आपको पहले, दैट इज व्हाई मैंने कहा कि विजुलाइज पहले से कर लीजिए, ठीक। लेकिन इनविजिलेटर वहां है, अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है, आपने कुछ पूछना है, आप हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज करेंगे आपके पास कोई आएगा और आपकी हेल्प करेगा। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आई है तो भी, ये भी इन्होंने बीच में बताया ही, मैंने पहले बता रहा हूं, तो ये तीसरा चौथा पॉइंट इन्होंने बता दिया। योर अच्छा जो कीबोर्ड आपका होगा, कंप्यूटर पर आपने काम किया हो, कीबोर्ड है, कीबोर्ड को टच करने के लिए फियर पैदा किया जाता है, सिर्फ आपको कहा जाता है कि माउस से काम लो, तो आप टच नहीं करते, क्योंकि ये इनके मन में डर बिठाया गया था, ये पता नहीं सच है कि नहीं, कि सबमिट हो जाएगा आपका, लेकिन ऐसे नहीं होता, मैं आगे जाके बताता हूं।
तो आपने केयरफुली चलना है, माउस ही यूज ज्यादा करना होता है। ये कहते हैं फियर और आर्टिकल मिसिंग रहा इनके मन में, ये बात हो चुकी है। डोंट बी अफ्रेड इन वेजिलेटर, अच्छा ये बात भी हो चुकी है। ओके नेक्स्ट है जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट जाते हैं वो डिफिकल्टी ज्यादा फील करते हैं जिन्होंने पेपर पेंसिल टेस्ट जो दिया हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट टाइम सीबीटी टेस्ट दे रहे हैं तो उनको ये सजेशन दे रहे हैं कि वो प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। मैंने बीच में ऐड कर दिया विजुलाइज्ड जरूर करके जाएं। दो बातें हैं कि आप आगे जाके मैं शीट दिखाता हूं उसको इमेजिन सामने रख के फोटो यहां से क्लिक कर सकते हैं, माउस से ये क्लिक कर दिया ये क्लिक कर दिया, एक बार प्रैक्टिस जरूर करके, बेशक इस वीडियो को रोक के प्रैक्टिस कर लें, वहां आपकी टेंशन एंग्जाइटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाओगे। अगर 80% एंग्जाइटी है तो ये प्रैक्टिस करने के बाद वो 10 रह जाएगी, 15 रह जाएगी। ठीक, तो आप वो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। कैंडिडेट विद प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर माउस फील नो प्रॉब्लम, अगर आपने ये किया हुआ है ना प्रैक्टिस करके जाते हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कि कैसे मार्किंग करनी है, कैसे क्वेश्चन देना है, कैसे शिफ्ट करना है इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। ओके, कैंडिडेट मस्ट हैव सम वोकैबुलरी, ये उनका सजेशन है। देखिए किसी की रिफ्लेक्शन से आपको फायदा हो रहा है। ये कहते हैं कि आपकी कंप्यूटर रिलेटेड वोकैबुलरी बेटर चाहिए, क्योंकि जब वो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर के मास्टर हैं, लेकिन आपको अगर टर्म समझ नहीं आती, समझ ना आना, साथ में एंजाइटी ऐसे शूट करती है, एंजाइटी ने शूट किया आपके 2 क्वेश्चन गए। तो ऐसे डर से बाहर आने के लिए ही ये कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिस पहले से ही करके जाएं। आपके जो अगर किसी ने पेपर दिया, वैसे अगर नेक्स्ट आप देख लोगे तो वो कर इसकी भी जरूरत आपको शायद नहीं पड़ेगी। ठीक है, कम पड़ेगी। तो वो क्या है नेक्स्ट, अच्छा और भी है, यू कैन गो बैक टू प्रीवियस, ये बता रहे हैं आप आगे पीछे जल सकते हो। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बैक भी आ सकते हो, ऐसे सब होता है। टाइम और पेपर ड्यूरेशन डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, वॉच नहीं है, वॉच क्लॉक नहीं लगा हुआ, आपकी स्क्रीन पर ही टाइम आ रहा है कि आपको 3 घंटे मिलने पूरे, सॉरी 2.5 घंटे, 2.5 घंटे पूरे ही मिलेंगे, 1 सेकेंड अधिक या कम नहीं मिलेगा। क्या बात है यार, वहां सच में जब मेरा एग्जाम था 10 मिनट पहले मेरा एग्जाम वो शीट ले ली गई थी। चलो, तो यहाँ पर देखिए क्वालिटी पूरी है, ये ओएमआर शीट से बेटर है ये। डिसाइड टू, इन्होंने ये बहुत अच्छा सुजेशन दिया, डिसाइड कहते पहले से कर लीजिए कि आप पहला पेपर, पेपर 1 यूजीसी का पहले देना चाहते हो या सेकंड देना चाहते हो। जनरली उन्होंने सुजेशन ये दिया है कि पहले से ही शुरू कीजिए, लास्ट तक जाइए, लेकिन ये अगले वीडियो में मैं सारा कुछ स्पष्ट कर दूंगा, इनका सुजेशन बिल्कुल अच्छा है। तो अगर आप वहां जाके देखते हो यार पहला पेपर में तो ये रिसर्च के नहीं आते, ये डाटा इंटरप्रिटेशन के नहीं आते, या ये नहीं आते, डर के चलो नेक्स्ट करके देखते, ऐसी मत कीजिए, ये इनका सुजेशन है। तो वहां आप डिसीजन लेने के लिए बैठ मत जाओ, ये डिसीजन पहले से ले लो कि मैंने फिक्सिंग है, मैंने फर्स्ट से इतने यहां तक, ये टोटल अप्रोच वाला वीडियो आएगा ना जब, वो उसमें इसी की एग्जांपल, इसको साथ लेके एग्जांपल दूंगा, वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो ये डिसीजन पहले से ही ले लीजिए, वहां टाइम वेस्ट नहीं होगा। एट लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्प्ले, अच्छा ये सारे आ जाते हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, कितने रिव्यू के लिए, ये बताता हूँ भी। डोंट नोट डाउन, ये बात बता दिया, स्लिप पर नोट कुछ बाहर के लिए नहीं करिए, बाद में आपको क्वेश्चन पेपर नेट पर आ जाता है, डाउनलोड करके पूरा नेट देख सकते हैं, वो शीट कोई नहीं ले जाने देंगे। तो ये हाँ, अच्छा विजुअलाइजेशन हो गई है। इसके अलावा आप, हाँ विजुअलाइजेशन में क्या करना है, आपने एक ये एग्जामिनेशन सेंटर है, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हो, वो ऐसा भी हो सकता है, जैसे ऐसे ऐसे राउंड जहाँ इस तरह से भी हो सकता है, इस तरफ जो चेयर ऐसे लगी हो, ऐसे कैबिन बने हो, ऐसे भी हो सकता है, इनविजिलेटर यहाँ घूम रहे हैं, ये इनविजिलेटर घूम रहे हैं, आपने हाथ उठाया आपके पास आ गए। ठीक है, तो ऐसे विजुअलाइजेशन कर लेनी है आपने, ऐसे भी हो सकता है सेटिंग। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है, जैसे आप कंप्यूटर पर काम करते हो, ये स्क्रीन है आपकी और ये हाथ है, ये माउस है, कीपैड है,
तो आप मैं आगे स्ट्रेटजी बतानी है इसलिए सीन रखा था कि आप स्क्रीन को टच कर सकते हो, स्क्रीन को टच कर लेना चाहिए, वो नेक्स्ट स्ट्रेटजी जब बताऊंगा उसकी एग्जांपल दूंगा। तो ये अब आप क्या हो गया कि आपके सबसे पहले आपने जब टाइम से पहले वहां पहुंच गए हैं, आपने लॉग इन कर लिया है, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी। ये वो इंस्ट्रक्शन है कि आपने क्वेश्चन ये जो ऑपरेट कैसे करना है, मार्क कैसे करना है, रिव्यू के लिए कोई क्वेश्चन छोड़ना है नहीं छोड़ना है, उसमें मेन ये कलर यूज किए गए हैं। अगर ये ब्लैंक कलर है तो इट मींस आपने वो क्वेश्चन अभी देखा ही नहीं है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। रेड मार्क है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, आपने वो देख लिया है लेकिन आपने आंसर नहीं दिया, अन अटेम्प्ट है। ग्रीन का मतलब है कि आपने आंसर टिक कर दिया है और सेव कर दिया है कि जो एवेल्युएशन के लिए जाएगा। तो ये सॉरी ये कलर इसको टिक करते हो, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर अ रिव्यू, आपने सिर्फ रिव्यू के लिए रख लिया है, आंसर नहीं दिया। तो कंप्यूटर आज ही आपको बताएंगे कि ये भैया आपने इतने क्वेश्चन छोड़े हैं ये रिव्यू करने के लिए कि बाद में मैंने करने हैं। बहुत बहुत ये यूजफुल है। अगर ऐसा क्लिक करते हैं आप तो जो क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया है लेकिन आपने डाउट रखा है, अगर टाइम बचा तो मैं इसको चेंज कर सकती हूं रिव्यू करके, ये इस तरह है। तो ये कैसे होगा, अब आप अप डाउन यहां से जा सकते हो, ठीक है, कि माइंड में जब बना होगा, विजुअलाइजेशन की होगी, थोड़ी कंप्यूटर पे बैक के प्रैक्टिस की होगी कि मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, ये जा रही हूँ, तो आपके लिए मतलब 80-90% इजी हो जाएगा। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन को रीड एक बार कर लेना है, लेकिन वो सारी इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कैसे नेविगेशन करनी है, आगे पीछे जाना है, आंसर कैसे देना है। ये रहा आप जब सारी इंस्ट्रक्शन रीड कर लोगे, यहां पर आप क्लिक करो, क्लिक के मैंने ये सारा रीड कर लिया है, ठीक है, और मैं एग्री कर रही हूं। तो अगर मैं कोई गलत करती हूं तो मुझे डीबार किया जाए वगैरह वगैरह, ऐसी इंस्ट्रक्शन है। ये टिक करने के बाद ही आप क्वेश्चन आंसर तक पहुंचोगे, फिर यहां क्लिक कर दिया प्रोसीड पर, प्रोसीड मीन आगे चलिए। तो आगे जाके आप यहां पहुंच गए, यहां आपका नाम, एग्जाम का नाम, ये जो आपका टाइम है कितने घंटे है, कितने मिनट है, कितने सेकंड है, वो सामने डिस्प्ले हो रहा है, उसके साथ में ही ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन के साथ ये ऑप्शन आ गए, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के ऑप्शन आ गए, और इस तरफ जो आप जो जो कर रहे हो उसका स्टेटस बनता जा रहा है, ठीक, कि आपने कितने क्वेश्चन विजिट ही नहीं किए, ठीक है, कितने क्वेश्चन रेड मार्क का मतलब के एक कलर बहुत हेल्प कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो मैंने आंसर ही नहीं दिया, अभी दो का आंसर नहीं दिया क्योंकि पॉजिटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका रेड कोई नहीं बचना चाहिए, ये स्ट्रेटजी बाद में बताऊंगा। ठीक है, कितने आपने आंसर कर दिए हैं, ठीक है, कितने आपने छोड़े हैं कि अभी मैं रिव्यू करूंगा तो मैंने अभी देखने हैं, उसका टाइम भी बाद में छोड़ना पड़ेगा, ये सारा कुछ आपको पहले से ही सोचना होगा। और यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन नंबर है, अगर आप जाना चाहते हो कि आपने इस पर जाना है जा सकते हो, ऐसा मत जाइए, ये सुजेशन है, नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा। तो अब क्या है कि आपने क्वेश्चन पेपर पूरा सॉरी स्टेम रीड की, आपने ऑप्शन रीड की, आपने क्लिक कर दिया ये वाला, ठीक है, ये ब्लू कलर हो गया। ब्लू कलर होने के बाद ओएमआर शीट पर आप ऐसे 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 करते थे, आपके 3-2 सेकंड लगते थे ना, यहां कितना इजी है, सिंपल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप श्योर हो कि यार ये पक्का हो गया मेरा, मतलब इजी क्वेश्चन के लिए आप यहां कर सकते हो, ये आपने क्लिक कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट मीन के सेव का मतलब याद रखना है, जहां सेव लिखा है उसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये क्वेश्चन मैंने आंसर फाइनल कर दिया है, भाई साहब इसको इवेल्युएट कर लेना, ये उसका मतलब हुआ। क्लियर का मतलब है कि आप किसी क्वेश्चन पर आपको लगता है कि ये अनमार्क्ड मैंने रिव्यू के लिए रखा है, जहां आंसर भी दे दिया है, फिर मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, इसी आंसर को आप चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ इस क्वेश्चन पर वापस आए और क्लियर पर क्लिक किया और ये निशान उड़ जाएगा, अब आपका जो अन अटेम्प्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं
मेरे को मैं ये क्वेश्चन को सेव करना चाहती हूँ, इवैल्यूएशन हो जाए, अगर टाइम बचा तो मैं इसको फिर रिव्यू क्वेश्चन को करना चाहती हूँ, ठीक। तो आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू यहां क्लिक करोगे, ठीक है। आसान बात यह है कि जब सेव जहां शब्द आता है तो वो आपका इवैल्यूएशन के लिए जाएगा ही जाएगा, बेशक आपका टाइम लास्ट में आपको वहां रिव्यू करने के लिए बचे ही ना, आप सेफ हो, सेव का मतलब सेफ भी हो मेरे हिसाब से। तो अगर कोई क्वेश्चन आप ऐसा रखना चाहते हो कि मैंने वो आंसर नहीं अभी करना, मैं रिव्यू बाद में करूंगी, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव मार्किंग है, नहीं तो आपको टिक करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे तो आपका नुकसान होगा। तो आप अगर सिर्फ रिव्यू करना चाहते हो लेकिन आप उसको मार्क आंसर नहीं कोई टिक करना चाहते, तो आप इसको क्लिक करोगे। इसमें डिफरेंस समझ लेना, समझने के लिए ये एक बार वीडियो दोबारा यहां से देख लेना। दोबारा बता देता हूं कि अगर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू है तो आपका क्वेश्चन इवेल्युएट पक्का होगा, लेकिन अगर ये सेव इसलिए है कि अगर टाइम पूरा हो गया तो इस पर क्लिक किए थे वो वाले क्वेश्चन 8-10 तो आपके वो इवेल्युएशन के लिए गिने जाएंगे, यहां पर वो गिने नहीं जाएंगे, ठीक, ये फर्क है। तो ये साथ साथ में मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, साथ साथ में स्टेटस आ रहा है कितने क्वेश्चन अभी विजिट नहीं किए, कितने आपने आंसर नहीं किए, कितने आंसर कर दिए हरे वाला, कितने रिव्यू के लिए पड़े हैं ये वाले सिर्फ रिव्यू के लिए पड़े हैं, और कितने मैंने आंसर कर दिए हैं लेकिन यार मैं अपने के लिए निशानी लगा रखी है कि इसको दोबारा देख लूंगी, ठीक है। ये 5 ऑप्शन है, इसकी प्रैक्टिस पहले से कर लीजिए, और जब भी आप यहां क्लिक करते हो तो साथ में वो उस क्वेश्चन का भी आपको साइन यहां साफ मिलेगा, ये साइन यहां भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां हरा ये हो गया है, ग्रीन हो गया, ग्रीन का मतलब है ये मैंने कर दिया है, ओके। अगर ये वाला रेड वाला आ रहा है, रेड वाला इट मींस ये मैंने छोड़ दिया है क्वेश्चन, आप सीधा रेड वाले को क्लिक करो, छोड़ दिया है, वापस आया उसको फिर स्टडी किया तो आप फिर अपना जो है अगर उसको निशान लगाना है, मार्क करना है तो मार्क कर दीजिए। तो ये जो ये वाला ऐसा साइन है यहां आ गया, तो आपने देखना है कि हाँ जी मैंने आंसर तो किया है लेकिन मैं फिर रिव्यू करना चाहती हूँ, ये तब करोगे आप अगर आपके पास सफिशियंट टाइम बचता है। तो ये जो मार्क अपने क्वेश्चन पर ये 5 मार्क यहां दिखाई देंगे, तो यहां कोई मार्क्स नहीं है, ये फीका है, इस तरह है, इसमें वो क्वेश्चन ही आपने देखा नहीं है, तो ये चीज आपको लगातार गाइड कर रही है। ये चीज आप एकदम इवेल्युएट अपने आप को स्टेटस इवेल्युएट करना चाहते हो यहां से कर सकते हो, आप जल्दी जल्दी किसी रेड को जल्दी जल्दी जाके उसको टिक करना चाहते हो पॉजिटिव मार्किंग है तो यहां जा सकते हो। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारा क्लियर हो गया, टाइम होने वाला है, आप सबमिट करवा दो। अगर आपका टाइम आपके पहले ही आप कर रहे हो, टाइम ओवर हो गया तो खुद ब खुद वो हो जाएगा फिर, मतलब पेपर कंप्लीट हो गया। तो ये था जरूरी आपके लिए हर हालत में, इससे आप सारी ले सकते हैं। ये वीडियो लंबा हो गया है, नेक्स्ट में सेकंड रूल डिस्कस करूंगा, ये अभी फर्स्ट रूल था इंस्ट्रक्शन को समझना। नेक्स्ट रूल होंगे कि आपने एक क्वेश्चन से डील कैसे करना है, ये समझना कैसे है, क्या स्ट्रेटजीज हैं। एक रूल में ही 6-7 स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, अगर अच्छा लगे तो आप देख सकते हो। थैंक यू।